हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रिक इज डिप। फ्रेंड्स, समझते हैं हमारी कोऑर्डिनेटेड टोटोसिस चल रही है। देन हम हमारी कोऑर्डिनेटेड टोटोसिस में कर्ड मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसमें हमारे प्रीवियस वीडियो में इस फॉर्म को यूज करते हुए हम हमारे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर चुके हैं। देन हमने इस पर वैलिडेशन भी लगाई थी। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इसी चैनल पर इसका प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो हमने डेटा हमारे प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट किया था उसे हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो आइए हम इसे डिस्प्ले कराते हैं। तो हमें डिस्प्ले कराने के लिए चलना होगा हमारे इस कंट्रोलर पर, जो है हमारा कर्ड कंट्रोलर। देन इसकी इंडेक्स मेटा हमारी लोड हो रही है, तो हम चलते हैं हमारे कर्ड कंट्रोलर पर। तो ये है हमारा कर्ड कंट्रोलर। देन इसकी इंडेक्स मेथड है, इस पर हमें सबसे पहले ऑल यूजर की इन्फॉर्मेशन फेच करना है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा। देन इसके अंदर हम डेटा गेट करते हैं यूजर्स, और इसके बाद हमें डेटा गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए हम हमारे मॉडल में चलेंगे, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट डेटा। देन ये दो पैरामीटर ले, एक पैरामीटर लेगा टेबल का नेम। देन हम वेयर कंडीशन वाली बाद में बनाएंगे, इसलिए हम इसे सिंगल बना लेते हैं। और यहाँ से हम इसे करेंगे रिटर्न डॉलर धीस डीबी सिलेक्ट, और यहाँ पे देंगे हम फ्रॉम, और इसमें हम यहाँ देंगे टेबल का नेम डॉलर टेबल नेम। देन से गेट करेंगे हम अरे फॉर्मेट, तो यहाँ देंगे हम रिजल्ट एरे। देन इसे करते हैं हम सेव। अगेन हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे इसमें कंट्रोलर पर। तो यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे डॉलर धीस कर्ड मॉडल। देन यहाँ पर हम देंगे यूजर्स। देन इसे हम नॉर्मल यूजर्स वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे एरे नहीं बनाते हैं। देन इसे करेंगे हम प्रिंट आर, और यहाँ पर हम इसे करें प्रिंट। देन इसे हम लगाते हैं यहाँ से डाई, एंड अगेन हम इसे रिलोड करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन को हमारे इस फॉर्म पर डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे हटाएंगे, और इस यूजर्स नाम का जो हमारा वेरिएबल है इसे हमें पास करना होगा हमारे व्यू पर। तो यहाँ से हम इसे पे पास करेंगे डॉलर यूजर्स। तो ये देखिए हमारा यहाँ से वेरिएबल पास हो चुका है। देन अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो इसे प्रिंट करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पर यूजर्स लिस्ट पर। देन यहाँ पर आकर हम लूप लगाएंगे। मैं यहाँ पर पीएचपी ओपन और क्लोज करता हूँ। देन यहाँ लिखता हूँ फॉर ईच। देन यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर्स एज यूजर। देन इसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पीएचपी और क्लोज। देन इसके बीच में हमें डेटा डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर हम देंगे टी आर। देन इसके बाद होगा टी डी, और सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर नेम। तो यहाँ पर हम करेंगे एको डॉलर यूजर के अंदर जो हमें नेम मिल रहा है वो हमें डिस्प्ले करना है। देन इसी तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे, और इसके बाद हम देंगे यहाँ पर ईमेल, और ईमेल के बाद होगा मोबाइल नंबर नंबर देन टीडी। देन इसे हम देंगे डिलीट, और इस पर हम क्लास लगाएंगे क्लास btn btn हाइफन डेंजर, और उस पर को क्लास लगाएंगे btn info। देन इसी के साथ हम एक और बटन बनाएंगे जो होगा अपडेट के लिए, उस पर लिखेंगे हम अपडेट। देन यहाँ पर होगा इन्फो, और यहाँ पर हम इसे लगाएंगे sm, यहाँ पर लगाना हो sm। देन इसे हम करते हैं सेव, और अगेन इसका हम आउटपुट देखेंगे। तो हम इसे करते हैं लोड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूज़र की जितनी भी लिस्ट है वो पूरी आ चुकी है। तो हम यहाँ से तो सिर्फ डिस्प्ले करा चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक इशू ये है कि हम जब भी कोई नया यूज़र इंसर्ट करेंगे और जिसे ऐड करेंगे तो भी हमारा ठीक ओके प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐड करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। देन साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम अब ब्लैंक इंसर्ट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक यूज़र की ईमेल यहाँ पर नहीं है। देन हम ऐड करेंगे
तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एरर आई कि अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र, मतलब यहाँ पर यूज़र की लिस्ट इसे नहीं मिल रही है। तो हमें जो यूज़र की लिस्ट है, यहाँ पर जो यूज़र हमने गेट किया है, इसे हमें यहाँ पर भी पास करना होगा। तो हम यहाँ पर इस यूज़र को पास करेंगे और इस यूज़र को यहाँ पर असाइन करना होगा हमें। यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट देन डॉलर यूज़र, देन सेव करते हैं। अगेन इसे हम करते हैं इसे रिलोड। तो ये देखिए हमारी वैलिडेशन के साथ भी हमारी टेबल आ रही है। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब हमें इसे डिलीट करना है, तो आइए हम इसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट बटन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लिंक लगाना होगी। तो हम आते हैं हमारे डिलीट बटन पर। तो ये है हमारा डिलीट बटन। देन यहाँ पर हम एक लिंक लगाएंगे और लिखेंगे ए को बेस URL। देन इसके बाद हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट PHP स्लैश कर्ड स्लैश डिलीट यूज़र। देन इसके बाद हम देंगे ID, जो भी हमारे करंट यूज़र की ID होगी। तो यहाँ पर हम पास करेंगे ID। देन इसे हम करते हैं सेव और इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे हमारे कंट्रोलर पर। तो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर पर। देन यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे नया, यहाँ पर पब्लिक फंक्शन। देन यहाँ पर हम देंगे ID एको डॉलर ID। देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। देन रिलोड के बाद हम क्लिक करेंगे डिलीट पर। तो ये देखिए हम यहाँ पर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर यूज़र की ID मिल रही है, जिस भी हम यूज़र पर क्लिक कर रहे हैं तो उस यूज़र की हमें यहाँ पर ID मिल रही है। हम क्लिक करेंगे इस पर, तो देखिए इसकी ID हमें 1 मिल रही है। इस तरीके से हमें सभी यूज़र की ID मिल रही है। तो अब हमें इस ID के यूज़ करते हुए यूज़र को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के सबसे पहले हमें बनाना होगा एक मॉडल। तो यहाँ पर हम एक मॉडल बनाएंगे एड के जस्ट बाद में। यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक फंक्शन डिलीट डेटा। देन इसके अंदर हम दो पैरामीटर लेंगे, पहला लेंगे टेबल का नेम और सेकेंड लेंगे हम वेयर अरे, जिसका यूज़ करके हम डिलीट करेंगे। और वेयर अरे के साथ साथ हम यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं। सबसे हम लगाएंगे डॉलर दिस DB वेयर और यहाँ पर हम पास करेंगे डॉलर वेयर अरे। देन इसके बाद लिखेंगे डॉलर दिस DB डिलीट और यहाँ पर हम पास कर देंगे टेबल का नेम। देन इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमारे कंट्रोलर से और यूज़र को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर दिस कर्ड मॉडल। देन इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम पहला पैरामीटर देंगे टेबल का नाम, तो टेबल है हमारी यूज़र्स। देन सेकेंड हम वेयर एरे पास करेंगे, इसमें हम देंगे कि जिसकी भी ID इस ID के बराबर हो वो डेटा डिलीट हो। और उसके बाद हम इसे रिडायरेक्ट करेंगे बेस URL। देन बेस URL के साथ हम सेम यही URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक फ्रेश डेटा सेट कर देंगे। यहाँ पर हम डेटा सेट करेंगे और यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड। देन इसे हम करते हैं सेव। अगेन इसे हम करते हैं इसे रिलोड। देन उसके बाद हमें डिलीट करना है जो कोड शिपिंग है, इसे हमें डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट पर। तो देखिए कोड शिपिंग यहाँ से डिलीट हो चुका है और यहाँ पर मैसेज आ रहा है यूज़र सक्सेसफुली डिलीटेड। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जो मैसेज है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसे आप पॉपअप पे ले सकते हैं, अलर्ट पे ले सकते हैं। देन आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टॉप पर डिस्प्ले करा रखा है। देन हमारा जो यूज़र है वो भी डिलीट हो चुका है। अगर हम इस टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए ये डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसे अपडेट करने पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप कोऑर्डिनेटर या लारावेल में प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटर, लारावेल, देन एंगुलर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके आप प्रोजेक्ट बनाने में अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल के साथ साथ सोर्स को भी डाउनलोड करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।